हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हैरी द मंत्रा में। दोस्तों मैं आज आपको केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, ई केवाईसी और एक सी केवाईसी होती है दोस्तों। सी केवाईसी होती है सेंट्रल नोन योर कस्टमर, यानी कि एक सेंट्रल डेटाबेस है उसमें आपकी केवाईसी बनाई जाती है और वो जो है सारे फाइनेंशियल सेक्टर जैसे बैंक अकाउंट हो गया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया और आपकी डीमेट अकाउंट होगी, उनमें जो है आपकी वही केवाईसी चलती है दोस्तों। ये केवाईसी जो है आपको अपने जो केवाईसी ऑफिस है, चाहे केएम्स है, चाहे केआरए है, चाहे बैंक है, वहाँ आपको फिजिकली जाके जो है आपका अपना बायोमेट्रिक आईडी एड्रेस प्रूफ जो है सबमिट करके जो है वो आपको एक 14 डिजिट का जो है सी केवाईसी नंबर देंगे। तो ये सी केवाईसी नंबर जो है आपके सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, यानी कि इंडिया में जितने फाइनेंशियल सेक्टर हैं, चाहे वो बैंक हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, डीमेट अकाउंट्स हो, उन जगह पे वो केवाईसी जो है वैलिड होती है। ये जो केवाईसी है ये जो है आपको फिजिकली जाना पड़ता है, फिजिकली जाके दोस्तों ये आपको जो है बनानी पड़ती है। दूसरा दोस्तों, ई केवाईसी क्या है दोस्तों? ई केवाईसी ये है आधार से जो है आपका प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है वहां से जो है आधार कार्ड से जो है इन्वेस्टर की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ उसका जो है बायोमेट्रिक और UIDAI संख्या जो है उस साइट को भेजी जाती है जिस साइट में जो है आप अपनी ई केवाईसी बनाना चाह रहे हो। चाहे आप म्यूचुअल फंड में यदि ई केवाईसी बनाते हैं तो वहां भी जो है आपको अपना आधार कार्ड नंबर से जो है वेरीफाई करना पड़ता है, यानी कि आधार कार्ड नंबर से जो है आपको OTP आपके मोबाइल पे आएगा, वन टाइम पासवर्ड, उससे वेरीफाई होके जो है आपका आधार कार्ड की जो भी इन्फॉर्मेशन, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो जो है उठा के जो है उस साइट में जो है चली जाएगी। UIDAI केवल यस या नो में जो है इसमें आंसर, केवाईसी जो है कन्वीनियंट है, पेपरलेस है और जो है कॉस्ट इफेक्टिव है दोस्तों। ई केवाईसी जो है आप इंटरनेट की सुविधा है तो आप अपनी ई केवाईसी जो है बना सकते हैं, आपके हाथ में जो है आपका आधार कार्ड और जो आधार कार्ड में जो यानी कि UIAI में जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो नंबर होना चाहिए, आप अपनी ई केवाईसी जो है बना सकते हैं दोस्तों। ई केवाईसी में आप जो है 50,000 से ऊपर जो है यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक वित्तीय वर्ष में यानी कि फाइनेंशियल ईयर में आप जो है 50,000 से ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, जबकि सी केवाईसी में जो है आपकी इन्वेस्टमेंट कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये दो मुख्य जो है डिफरेंट है ई केवाईसी और सी केवाईसी में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और शेयर कीजिए और यदि आपके कोई सुझाव है तो उसे जो है कमेंट में दीजिए। दोस्तों यदि अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।